दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई इंडियंस में लगातार रिजर्व में रहने के बाद इस आईपीएल सीजन में अर्जुन तेंदुलकर को खेलते मैदान पर देखा गया था, लेकिन इसके बाद अचानक से अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस की टीम के प्लेइंग 11 से बाहर हो गए थे और अब उनको लेकर रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको सुनने के बाद न सिर्फ अर्जुन तेंदुलकर बल्कि उनके पिता सचिन तेंदुलकर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अर्जुन तेंदुलकर को लेकर रोहित शर्मा ने क्या कहा है बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले मुकाबले में कौन सी वो टीम होगी जो जीतकर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हो पाएगी? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार 3 सालों से मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े रहने के बाद इस आईपीएल सीजन के कुछ मुकाबलों में अर्जुन तेंदुलकर को खेलते देखा गया था, लेकिन इसके बाद अचानक से अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 से गायब हो जाते हैं और अब तक वो एक भी मुकाबला खेलते नजर नहीं आए। और ऐसे में क्वालिफायर 2 जैसे बड़े मुकाबलों से पहले रोहित शर्मा ने अर्जुन तेंदुलकर को लेकर बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अर्जुन एक अच्छा गेंदबाज है और आगे आने वाले मुकाबलों में वो मुंबई इंडियंस के साथ खेलते नजर आएगा, जिसके बाद ये कयास लगने शुरू हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस की तरफ से अर्जुन तेंदुलकर को मौका दिया जाए और वो हमको मैदान पर खेलते नजर आए। लेकिन रोहित शर्मा के बयान में कहीं भी इस बात की खुलकर पुष्टि नहीं की गई थी अगले क्वालिफायर में एक बार फिर से अर्जुन तेंदुलकर को खेलते देखा जाएगा, मगर उन्होंने जिस तरीके से इशारे किए हैं उसके बाद इस बात की पुष्टि होती नजर आ रही है कि अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस की तरफ से क्वालिफायर 2 में खेलते नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने इस आईपीएल सीजन में कुल 4 मुकाबले खेले हैं जिनमें उन्होंने 3 विकेट लेने में कामयाबी दर्ज की है, वहीं बल्ले से 13 रन बनाए हैं। आपको बता दें कि गेंदबाजी के दौरान उन्होंने इन 4 मुकाबलों में लगभग 10 ओवर फेंके थे जिनमें उन्होंने 30 के औसत से 92 रन दिए थे और उन्होंने अपना आखिरी मुकाबला गुजरात के खिलाफ खेला था। आपको बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर पंजाब के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 48 रन दिए थे, जिसके बाद से ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि अब आईपीएल में मुंबई इंडियंस उनको इस सीजन में भी एक मुकाबले खेलने का मौका नहीं देगी। लेकिन इसके बावजूद भी उनको गुजरात के खिलाफ खेलने का मौका दिया गया था जिसमें उन्होंने 9 रन देकर 1 विकेट लिया था, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर ने मुंबई इंडियंस की टीम में कमबैक कर लिया था और यहां से अर्जुन तेंदुलकर को टीम से बाहर कर दिया गया और फिर उनको कभी भी मुंबई की तरफ से इस आईपीएल सीजन में खेलते नहीं देखा गया है। और ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या अर्जुन तेंदुलकर क्वालिफायर 2 में गुजरात के खिलाफ गेंदबाजी करते नजर आते हैं या नहीं। ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर गुजरात के खिलाफ इस मुकाबले में अर्जुन को मौका दिया जाता है तो फिर अर्जुन इस मुकाबले में किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। ये तो पक्का है कि अगर इस मुकाबले में अर्जुन तेंदुलकर को खेलने का मौका दिया जाता है और अगर अर्जुन यहां से मुंबई इंडियंस को जीत दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनका आईपीएल में करियर चमकता नजर आएगा। और इसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि उनको टीम इंडिया में मौका दे दिया जाए। ऐसे में दोस्तों, आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।